गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? सुबह थोड़ी अच्छी नहीं लग रही आज की सुबह, क्योंकि दिया की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और फिर मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। कोल्ड कफ वगैरह हो रहा है, दिल्ली की सर्दी। कांट डू एनीथिंग, कुछ हो ही नहीं सकता, रहना तो यही है। रात को हॉस्पिटल लेके गए थे दिया को, तो वहाँ पे तो ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं, तो उन्होंने चेक कर लिया था, बस यही बोला था गले में इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो दवाई हमने उनकी नहीं ली। अभी वो गई हुई है अपने पापा के साथ, अपने हमारे फैमिली डॉक्टर उनके पास, तो वहाँ से प्रॉपर उसको दवाई लगती है, तो वहाँ गई हुई है। अब बस दिन चढ़ा है, ये लोग गए हैं हॉस्पिटल डॉक्टर के पास और मैं तोड़ रही हूँ बाथू, और मेड का इंतज़ार कर रही हूँ, वो अभी आएगी तो आटा गुंदवाऊँगी बाथू का, क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं ज़्यादा तामझाम कर सकूँ। अरबी रखी है कल की, दाल जो दाल चावल बनाए थे, दाल चावल भी थोड़े से रखे हैं, क्योंकि दिया ने खाना नहीं खाया, रात को थोड़ा सा ही खाया था। फिर मैंने कहा एक बाथू का आटा गूंदा होगा तो वो मैं पूरा दिन चला दूंगी, अगर ज़रूरत नहीं लगेगी तो कोई सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ठंड में बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। चलिए, मैंने कहा मैं आपसे तो मिलूं, कल भी रात को इस नोट पे दिया की तबीयत ख़राब हुई थी बहुत ज़्यादा, तो उस नोट पे मैंने साइन ऑफ कर दिया था, तो मुझे लगा मैं अभी मिल लूं आपसे, क्योंकि वो आ जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं बिज़ी हो जाऊंगी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होपफुली आप लोग सब सही होंगे, अपने घर में अच्छी सेहत होगी, और ठंड से प्लीज़ बच के रहिए। अगर ज़रा भी कुछ सिम्टम लगता है तो पहले ही प्रिकॉशन लेके चलिए, क्योंकि हम लोग इतने प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं तब भी ये जो ठंड है वो असर दिखा रही है बॉडी पे। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अभी मिलते हैं। हेलो, कई दिन से ना एक काम बिखरा पड़ा था मेरा, मेरे ना थोड़े थोड़े बॉक्सेस मैंने अलग अलग जगह से परचेज करके सेट बना रखे थे, और एक मैंने वाइट वाले बॉक्सेस मंगवाए थे, ये वाले, तो ये तो बिल्कुल ही यूज़लेस है। इसके अंदर पहले मैंने कोई और सामान रखने के लिए मंगाया था, उसके बाद एक तो गंदे इतनी जल्दी होते हैं, ये देखिए ये वॉश करवा के रखा और इतना गंदा हो रखा है, और दूसरा इसमें से पोर करना इतना मुश्किल है, चाहे आप पाउडर रख लो चाहे आप कोई सामान रख लो, इतना मुश्किल होता है, इसको झाड़ झाड़ के निकालना पड़ता है। तो अभी मैंने क्या किया है, सारे एक साथ के डब्बे मंगवा दिए हैं, तो पूरा मेरा सेट जो है वो सिंगल हो जाएगा। अभी मेरे को अलग 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 कुछ सामान इस वाले में रखना पड़ रहा था, कुछ इस वाले में रखना पड़ रहा था, कुछ इस वाले में रखना पड़ रहा था, तो मैंने 12 का एक पूरा सेट मंगा लिया, क्योंकि 4 मेरे पास वैसे ऑलरेडी थे, तो मैंने उसी का सेट मंगवा लिया है, ये ओवल शेप वाले। इसमें मेरा पहले कुछ सामान था और 4 मेरे पास वो मतलब स्पेयर हो गए थे, तो मैंने एक साथ के मंगा लिए। तो अब देखिए मेरा मेस, देखिए अब ये डब्बे मैं सारे एक जैसे कर रही हूँ, तो अभी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अलग अलग तरह के डब्बे जो मैंने खाली कर दिए हैं, और ये सारे एक साथ के डब्बे आ गए। अब इस पे बस लिड लगाती जाऊँगी और इनको एक ही प्लेस में मुझे रखना है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अब मेरे सारे बॉक्सेस एक साथ के हो गए, ये वाले, ये ऊपर भी, तो जितने भी मैदा, सूजी, राइस फ्लार, सौंग के चावल, बेसन, दलिया, ये सब चीज़ें यहाँ आ गई। ये 8 डब्बे यहाँ लग गए और 8 डब्बे यहाँ आ गए। इसमें सोयाबीन बड़ी, पोहा, सेमियाँ, ये हाथ की बटी सेमियाँ, ये बॉम्बिनो है, म्यूसली, ओट्स, और ये है मैगी मसाला, ये सब एक जैसे हो गए, तो ये मेरा एक लेवल तैयार हो चुका है। ऐसे ही ये देखिए, ये मेरा मैगी का स्टॉक जो आया इस बार, और नमक मिर्च के लिए मैंने ये कांच की जो बॉटल्स मंगवाई थी वो लगा दी हैं, ये पहले प्लास्टिक की इन वाली बॉटल्स में ही थे, तो वो कांच की मैंने चेंज ऑलरेडी कर दी, अभी 2 बची हैं जिसमें जीरा और राई आएगा वो, और ये मेरी दालों के डब्बे, अब मुझे सिर्फ ये दालों के डब्बे बदलने हैं, फिलहाल ये मैं चला रही हूँ। सो होता क्या है कि डिफरेंट डब्बे मुझे जहाँ से जब भी मिले सस्ते सस्ते मैंने ले लिए थे पहले, तो अब मैं
किचन धीरे 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 करके ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, तो मैं उस तरह से डब्बे चेंज कर रही थी। ऐसे ही अब मैंने दूसरे ब्लैक लिड वाले और सिलेक्ट करके रखे हुए हैं कार्ट में। अब जैसे मेरा नेक्स्ट मौका पड़ेगा, कोई सेल वगैरह आएगी, तो मैं उसमें वो भी मंगा लूँगी, तो मेरी पूरी किचन सेट हो जाएगी ऑलमोस्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देखे रह ही जाता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने अपने ये वाले जो डब्बे हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए हैं। अब ये दालों वाले रह गए मेरे, मसालों के भी हो गए, अब दालों के करूँगी नेक्स्ट में, देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो मशीन चालू है, एक लॉट ये रहा, एक ऑलरेडी डला हुआ है, और अभी बाहर वाले भी गीले पड़े हुए हैं, पर धोना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो ढेर लगता चला जाता है। अब मैं जा रही थी थोड़ा नहाने धोने, 5:30 हो चुके हैं, रोज़ यही टाइम हो जाता है नहाते धोते, तो अब मैं ये काम करूँगी, चेंज वेंज करूँगी, थोड़ा खाने का देखूँगी कि क्या बनाना है। वैसे तो बहुत सारी सब्जियाँ हैं मेरे पास, क्योंकि कल रात को भी बच गई, परसों रात की भी बची हुई हैं, तो मेरे को ये होता है कि कोई एक दिन चूज़ करके सारी पुरानी सब्जियाँ निकाल दो, ताकि वो ख़त्म हो जाए, या फिर काम वाली को दे दूँ ताकि वो यूज़ कर ले, इससे ज़्यादा देर तक मैं रख नहीं सकती। देखिए अब शाम के टाइम पे चाय अवॉइड करने का एक और नया तरीका आंखों में लग गया प्याज। ये बन रही है भेलपूड़ी, बाजार की तो बहुत खाली। ये लीजिए भेलपूड़ी घर की तैयार। गाना बंद कर दो जी, कॉपीराइट आ जाएगा। लो भाई लो, खा के देखो नमक ठीक है। द रिएक्शन चलो इनका तो कॉमन रिएक्शन आता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, ये देखो मेरी नई टोपी, मैंने वाइट कलर की ऊन से बनाई है, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। बनाते ही मैंने पहन ली, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं काफ़ी देर बाद आई हूँ वीडियो में, क्या कर रही थी, यही कंप्लीट कर रही थी, और अब मैं आपको बता रही थी जैसे कि मेरा पुराना सब कुछ जो मटेरियल पड़ा हुआ है खाने पीने का, वो सब ख़त्म करना है, तो मैं वही खोल के बैठी थी। अभी देखिए यहाँ पे जो उस दिन बटर चिकन आया था, एक पीस दिया के हिस्से का बचा था, तो ये गर्म हो रहा है, तो दिया ये खाएगी। ये दाल रात वाली, ये समृद्ध के लिए गर्म हो रही है दाल और चावल। ये दही वाले आलू, जो मेरा वीडियो सारा उड़ गया था, तो दोबारा जब बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। और ये है मेरी अरबी कल वाली, ये है बाथू का आटा। तो जो भी रोटी खाना चाहता है उसको रोटी बाथू की ही मिलेगी, क्योंकि प्लेन आटा आज नहीं गुंदवाया मैंने, क्योंकि बच्चों को भूख लगी है, तो फटाफट से चपाती बना के आप देते हैं बच्चों। हो गया खाना पीना, और अब हो रहा है गाजर का हलवा गरम। इन्होंने खाना खाया नहीं, इन्होंने सिर्फ गाजर का हलवा खाया, और मैंने खाना खा लिया, एक रोटी और आलू दही की सब्जी बच्चों ने खा लिया, सब निपट गया, सब साफ़ हो गया। देखो पूरी किचन साफ़ हो गई, यहाँ से सब खाने पीने का सामान खत्म। अब बस गाजर का हलवा, वो भी मैं अब अकेले ही खाऊंगी, पता नहीं शायद दिया एक आध चम्मच ले ले तो ले ले, मज़ेदार। चलिए खाते हैं। हो गई किचन साफ, चलिए अब खाते हैं हलवा। तो अब मैं खाऊंगी हलवा, और फिर उसके बाद ये अपने जो स्वेटर्स हैं वो पिरोंगी। ये मैंने बना दिया है, ये देखिए एक बनियान ये मैंने सील कर दी है, एक ये टोपी सील कर दी है, और एक ये छोटी सी टोपी सील कर दी है, ये छोटी सी टोपी सील कर दी है। तो बस ये दो बनियाने और हैं जिनको मैं सिल के, और उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगी, तब तक मेरा खाना भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि सैर वैर तो हम करते नहीं हैं। तो
थोड़ा सा खाना खाने के बाद लेटना मैं अवॉइड कर जाती हूँ कई बार, क्योंकि खाना खाते ही हम लोग पसर जाते हैं बिस्तर में, तो उससे एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, खाना पचने में दिक्कत होती है। तो चलिए फिर, गुड बाय गुड बाय कर ली जाए, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं दोबारा कल और फिर नई कुछ बातें करते हैं। कल मुझे जाना है ये नेल्स निकलवाने, क्योंकि ये काफ़ी आगे आ चुके हैं, देखेंगे आप, ये देखिए कितना गैप आ चुका है। तो अगर मैं अब ना गई तो ये मुझे और दिक्कत कर देंगे, अभी तो सिर्फ बालों में फंस रहे हैं, बाद में फिर ये जगह जगह अटकेंगे और अपने आप उखड़ गए तो और दिक्कत होगी। तो कल मैं ये जाऊँगी रिमूव करवाने। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल दोबारा और फिर नई गपशप, फिर नई चीज़ें। कितनी बकवास करती हूँ मैं, चलो 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 चलो, बाय बाय बाय।